नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय देवरिया के बारीपुर में है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर राजेंद्र जी महाराज का कथा 23 तारीख से प्रारंभ होकर 31 तारीख तक चलेगा। आज ये कथा का दूसरा दिन है और ये कहा जा सकता है कि आज दूसरे ही दिन कथा का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और भक्तों की यहाँ इतनी भीड़ है जिसे आप अभी देख सकते हैं कैमरे में कि कितनी यहाँ भीड़ है और सबसे ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा यहाँ महिलाओं की भीड़ है और इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पूरा कथा राममय हो गया है। आइए हम कुछ जनों से बात करते हैं। आज कथा का दूसरा सत्र है जी और भक्तों की इतनी ज़्यादा तादाद, क्या कहेंगे? देखिए, क्या कहेंगे, भक्ति के एजन सैलाब है और सनातन का आज जो यहाँ सैलाब देख रहे हैं भक्तों का, राजन जी का वास्तव में ये जो कथा है, हम भी खुद कुशीनगर से चल करके आए हैं, माँ नारायणी के तट से, खड्डा विधानसभा से, और बहुत आनंद आया। यहाँ का व्यवस्था, यहाँ की सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी और कथा तो क्या कहना, भगवान शिव का विवाह बहुत ही अच्छा प्रसंग रहा है। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ आ करके देवरिया के लोगों में मैंने जो देखा बड़ी अच्छा लगा, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े व्यवहार कुशल लगे हमको, सभी लोग धार्मिक लगे और साथ ही आप जैसे लोग हमें मिले तो ठाकुर जी ही आपसे मिलवा दिए हैं हमको। मैं गदगद हूँ और बहुत अच्छा लगा यह कथा मुझे। महेंद्र पांडे मेरा नाम है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जनपद कुशीनगर, जिला अध्यक्ष। सुने नहीं, यही बार सुने हैं। कहाँ के रहने वाले? वो चौरी चौरा के। चौरी चौरा से आप आए हैं राजन जी की कथा सुनने? आज आपने कथा सुना? कल सुने थे कथा? नहीं, कल नहीं। तो कल भी आएंगे? अब कल देख, अब हम लोग उतना ये कथा में क्या अलग है, कुछ कुछ अलग है? बहुत अच्छा लगता है इनका कथा, अच्छा लगता है। राजन जी की कथा जो है अन्य कथाओं से अलग कैसे है, कैसा लगता है कथा? राजन जी बहुत ही अच्छा कहते हैं, बहुत ही अच्छा उनका कथा सुनने का इतना मन करता है कि मन अगर 24 घंटा वो कथा कहे तो हम लोग सुनते ही रह जाएंगे, सुनने का मन नहीं करता है। आज जैसा कि दिखा जा रहा है दूसरे दिन ही इतनी ज्यादा अपार भक्तों की यहाँ भीड़, आप देखिए ना, सातवें दिन चाहे दूसरे दिन चाहे तीसरे दिन चाहे चौथे दिन बहुत ही भीड़ लगेगी। यहीं के रहने वाली हैं? हम यहीं के रहने वाले, देवरिया जिला के ही। आपका शुभ नाम? रीना मिश्रा। आप यहीं के हैं? नहीं। हाँ, ओझा परसिया। अच्छा, आप कथा सुनने आए हैं? जी सर। क्यों कथा सुनने आए हैं आप? एकदम नव युवक है, कथा क्यों सुन? उसी तरह का क्या, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और क्या करने है? मन लगता है ये, एकदम मन लगता है। राजन जी की कथा पहले सुने थे? हाँ, बहुत पहले। क्या है क्या, उनको लाइव देखते थे टीवी पर। लाइव देखते थे, अच्छा लगता है, एकदम अच्छा लगता है। आपका नाम? अंबिकेश ओझा। आप व्यवस्था में है? हाँ, व्यवस्था में। आज दूसरे दिन इतनी अपार संख्या में भक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हाँ। आप लोगों ने व्यवस्था भी बहुत बढ़िया करके रखा है, क्या आप लोग को लगता था कि इतना ज्यादा लोग? नहीं, इतना संभावना नहीं था, इतना संभावना नहीं था, क्योंकि पिछली बार पिछले बार यहाँ भी हुआ था। हाँ, इतना भीड़ नहीं हुआ था, इतना भीड़ नहीं हुआ ना। इस बार इतनी क्यों हो रही है? मंदिर के नाते, मंदिर के नाते, हनुमान जी की अपार कृपा, ठाकुर जी की अपार कृपा। अभी तो लगता है जैसा आज दूसरा दिन है, सातवें आठवें नौवें दिन तक तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा बम्पर भीड़ होगा। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तैयार एकदम, ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। हाँ, सब उनका व्यवस्था, सब उन्हीं का है, सब उनका। हाँ, उन्हीं की व्यवस्था, सब उन्हीं की व्यवस्था। एक बात बताइए, राजन जी के कथा में ऐसा क्या है? अभी तो ऊपर वाला बताएगा, लोग बताएंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ देवरिया में वो खासे लोकप्रिय है। हाँ, असल में भोजपुरी बहुत बढ़िया गाते हैं ना, लोगों के समझ में आती है बात, हमको यही लगता है। मैंने, हम अपनी सोच बता रहे हैं कि जैसे धरातल पे कोई नेता नहीं होता है, कुछ लोग धरातल के नेता होते हैं और कुछ लोग ऊपरी नेता होते हैं, तो हमारे हिसाब से यही लग रहा है कि। आपका शुभ नाम? जैनेन्द्र सिंह। जैसा कि आपने लोगों से सुना राजन जी की कथा, इस पूरे बारीपुर को एक अलग ही सरोवर में डुबो दी है और लोगों का कहना है कि यहाँ जो ठाकुर जी का मंदिर है, इस वजह से भी इतनी ज़्यादा संख्या में भक्तों का यहाँ आना हुआ है। अभी नौवें दिन तक और ज़्यादा भीड़ होगी और ये कहा जा सकता है
कि अब तक की राजन जी की जितनी कथाएं हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा आज यहाँ रिकॉर्ड तोड़ भक्त यहाँ आए हैं और उनकी सरस सौम्य पवित्र राम में संगीत में यह कथा आगे और ज़्यादा लोगों को जोड़ेगी। इसलिए कहा जाता है चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है।